हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा। मेरी माँ की रेसिपी से दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। जी हाँ दोस्तों, ये गाजर का हलवा मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ क्योंकि इसे मैं कुकर में बनाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह से आप कुकर में बनाइए, आपको मतलब मेहनत कम लगेंगे और बहुत जल्दी बन जाते हैं और स्वाद भी वैसा ही रहता है। तो आप अगर जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों गाजर का हलवा, वो भी कुकर में। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 600 ग्राम जैसा गाजर ले लेंगे। ये देखिए हमारे गाजर कितने लाल हैं, अभी ठंड के दिनों में गाजर बहुत अच्छे मिलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से गाजर को हम छील लेंगे। ये हमारा लाल गाजर है तो इसमें चीनी बहुत कम लगती है क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं। ये देखिए हमने सारे गाजर को अच्छे से छील लिए हैं। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए हम कद्दूकस कर लिए, इसे धो करके हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं कुकर की तरफ क्योंकि हमें झटपट बनाना है ये गाजर का हलवा। ये देखिए गैस में हम कुकर चढ़ा लिए हैं। अब हल्का गर्म हो जाने पर इसमें हम 3 चम्मच जैसा घी दे देंगे। घी में ही बनाइएगा दोस्तों। तो ये देखिए हम घी दे रहे हैं 3 चम्मच, आप आवश्यकता अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो घी हल्का गर्म कर लेंगे और इस तरह से फैला लेंगे ताकि इसमें कुकर में जो गाजर चिपके नहीं। तो ये देखिए गाजर, अब इसमें हम डाल दे रहे हैं कद्दूकस किया हुआ गाजर है। तो इसे भूनना नहीं है दोस्तों, बस इसे मिला लेंगे हम ताकि सारे गाजर में घी लग जाए, बस उतना ही मिला लेना है। तो इस तरह से हम सारे गाजर जो है वो हम कुकर में डाल दिए हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से भून लेंगे, बस इसे मिलाना है 1 मिनट के लिए। इस तरह से मिल जाने के बाद हम इसमें 1.5 किलो जैसा दूध को हम अलग से पहले से ही इसको हम गाढ़ा कर लिए हैं। तो ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा दूध है। ये आप गाढ़ा दूध की जगह में मिल्क मेड भी दे सकते हैं, लेकिन ये मैं गाढ़ा दूध बना के डाल दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं ना, तो दूध इसमें गाढ़ा होता नहीं है गाजर में, तो इसलिए गाढ़ा करके ही दूध इसमें डालिएगा और थोड़ा सा दूध दीजिएगा। ये देखिए दूध दे देने के बाद इसमें हम सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे तेज आंच में ही। तो ये देखिए 2 सीटी हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे बंद कर दे रहे हैं ताकि ये जो ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसके गैस सारे निकल चुके हैं, अब ये ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखिए दूध हल्का हल्का है ही, अगर आपके दूध ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा सुखा लीजिएगा गाजर को। ये देखिए इस तरह से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से सिर्फ चला लेंगे ताकि ये जो गाजर जो है हमारा है वो अच्छे से सूखा सूखा जैसा हो जाए, बाजार में जिस तरह मिलते हैं ना गाजर केला, वैसे हो जाए। तो ये इसी बीच में हम इसमें थोड़ा सा काजू और 1 इलायची को कूट करके डाल दिए हैं और साथ में हम दे देंगे चीनी। तो चीनी इसमें हम 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा दिए हैं, 75 ग्राम जैसा दिए हैं चीनी इसमें हम, आप आवश्यकता अनुसार दे दीजिएगा क्योंकि गाजर भी बहुत मीठा मिल रहा है दोस्तों। और इस तरह से चीनी दे देने के बाद इसे हम चला लेंगे और चला लेने के बाद ये देखिए दूध भी हमारा सूख चुका है और ये हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये हम इसे कढ़ाई में भून के बनाए हैं या फिर कुकर में बनाए हैं। तो आप दोस्तों इस तरह से गाजर का हलवा बनाइए और सुबह शाम खाइए, बहुत फ़ायदा भी करते हैं गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा तो हमारा बनके तैयार हो चुका है और अब मैं बताने वाली हूँ टिप्स। अगर आपको मेरे टिप्स यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए क्योंकि मैं हर रेसिपी के अंत में यूजफुल टिप्स बताती हूँ दोस्तों। और आज का टिप्स है इस तरह से, अगर आपके बाल ठंड में ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर डैंड्रफ हो गए हैं तो मैं एक उपाय बताऊँगी। इस उपाय को करने से आपके जो सर के डैंड्रफ है सारे चले जाएंगे और आपके जो बाल जो झड़ना है वो भी बंद हो जाएंगे, साथ में आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे। तो मैं एक उपाय बताऊंगी, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा उपाय है। तो ये देखिए आप ले लीजिएगा दही, दही बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर बाल आपके झड़ रहे हैं तो दही लगाइए, ये दही में नींबू डाल के लगाइए तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए हम नींबू 1 ठो डाल दे रहे हैं। तो इस तरह से नींबू सारे डाल दीजिएगा और डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। दही आपका पूरा खट्टा होना चाहिए दोस्तों, ताज़ा दही, 2-3 दिन का दही हो, खट्टा दही वो डाल दीजिएगा इसमें नींबू, और नींबू दे करके बालों में मसाज करना है, अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। और मसाज करने के बाद इसे आप 2 घंटा तक बालों में ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो देखिएगा, ये देखिए पहले मैं इसका सारा बीज निकाल लेती हूँ नींबू का। ये देखिए तो इस तरह से नींबू का बीज निकाल लेने के बाद इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और फेंट लेने के बाद बाल को ज़रा थोड़ा घना करना चाहते हैं आप तो आपको लेना होगा विटामिन ई के कैप्सूल, ये भी दे दीजिएगा। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो 2 दीजिएगा, अगर आपके बाल छोटे हैं थोड़ा
तो आप इसमें एक दे दीजिएगा विटामिन ई की कैप्सूल, इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और डाल देने के बाद बस इसे घोलना है और तुरंत लगाना है दोस्तों। तो बस इस तरह से घोल लीजिएगा, घोल लेने के बाद बालों में लगाइएगा, लगा के 2 घंटा तक रखिएगा। और रखने के बाद इसे सिर्फ पानी से धोना है, शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू आप अगले दिन कीजिएगा। इस तरह से पानी से धो लीजिएगा, धो लेने के बाद बालों में तेल लगे हुए लगेंगे देखने में, पर कोई बात नहीं, आप दूसरा दिन शैम्पू कीजिएगा तो देखिएगा आपके बाल इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और बाल जो झड़ रहे हैं, मतलब यह हमेशा आपको करना होगा, मतलब 1 या 2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा, तो इससे है ना बाल झड़ना ही बंद हो जाएंगे और डैंड्रफ तो सारे निकल जाते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप्स या रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दाब दीजिएगा और आके मेरे को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छे लग रहे दोस्तों टिप्स या रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।